लेक्चर में हमने डिस्कशन अपनी शुरू की थी एफ एफपीजीए के जो लॉजिकल एलिमेंट्स हैं एफ का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं लॉजिकल यूनिट्स हैं जो एक टू डायमेंशनल ग्रेड की सूरत में अरेंज्ड हैं कॉलम एंड रो इंटरकनेक्ट जिनकी मदद से हम डिफरेंट लॉजिकल यूनिट्स को या लॉजिकल सेल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं उनमें course, जो लॉजिकल एलिमेंट्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं और आईओ ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से हम एक्सटर्नल सिग्नल्स अप्लाई कर सकते हैं और एफपीजीए के जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को दे सकते हैं लॉजिकल एलिमेंट जैसे हमने देखा उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो अगेन सिमिलर है जो पी एल में है उसमें हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के हैं और उसमें फ्लिप फ्लॉप भी लगा हुआ है तो फ्लिप फ्लॉप की मदद मतलब से हम सिक्वेंशल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं इसके बाद हमने देखा था कि जो सिक्वेंशल जो एलिमेंट है लॉजिकल एलिमेंट है एफ का उसको हम प्रोग्राम कैसे करते हैं बेसिकली एक लूट है लुकअप टेबल है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए अब टेबल जो है उसका ऑपरेशन जो बड़ा सिंपल है इट्स लाइक ए रोम और ए रैम हमारे पास डिफरेंट एड्रेस हैं हर एड्रेस पे डिफरेंट इंफॉमेशन स्टोर करनी है सो अस सपोज हमें कोई सिंपल सा फंक्शन प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जिसके तीन मिनटम्स हैं जो तीन मिनटम्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो रैम या रोम के एड्रेसेस से मेमोरी एड्रेसेस से सो so, उस लोकेशन पे, उस एड्रेस लोकेशन पे हम प्रोग्राम कर देंगे वन या ज़ीरो सो so, वो पर्टिकुलर अगर उस मिनटम को हमने इंक्लूड करना है तो उस लोकेशन पे हम डाटा जो वैल्यू है वो वन रखेंगे और जो मिनटम हमने इस फंक्शन से एक्सक्लूड करनी है उस जगह पे हम जीरो प्रोग्राम कर देंगे सो दैट मीन्स जब भी हम करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस अप्लाई करते हैं तो करस्पॉन्डिंग लोकेशन सेलेक्ट होंगी उनमें वन है तो वो हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा अगर जीरो प्रोग्राम किया हुआ है तो वो हमारे पास आ जाएगा हमने दो एग्जांपल्स देखी थी एक थ्री मिनटम का फंक्शन था उसका प्रोग्राम किया था उसके बाद हमने एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया था फुल एडर के लिए हमने जैसे बताया था फुल एडर के तीन इनपुट्स हैं ए बी एंड सी एन उसके आउटपुट्स जो हैं दो हैं सम एंड कैरी आउट बेसिकली इस फंक्शन को प्रोग्राम करने के लिए हमें बहुत एक छोटी सी मेमरी चाहिए रैम हो सकती है रोम हो सकती है जिसके आठ एड्रेसेस हैं बेसिकली थ्री बिट एड्रेस है एक जो बिट है वो ए रिप्रेजेंट कर रही है दूसरी जो बिट है एड्रेस बिट है वो वेरिएबल बी को रिप्रेजेंट करती है और तीसरी जो एड्रेस लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेरिएबल सी एन को सो बेसिकली आठ डिफरेंट एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं हमें क्योंकि आउटपुट में दो आउटपुट चाहिए सिग्नल्स चाहिए एक सम को रिप्रेजेंट करता है और एक कैरी आउट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है सो दैट मींस हमारी जो एट मिनटम्स भरनी है वो हमने देखना है कि जो सम फंक्शन है उसके आउटपुट में कौन से मिनटम्स हैं इसी तरह कैरी आउट जो फंक्शन है आउटपुट फंक्शन जो है उसमें कौन से मिनटम्स हैं सो कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स के लिए दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेसेस के लिए हम अप्रोप्रिएट जो डाटा बिट्स हैं उनको वन या जीरो पे रख लेते हैं सो so जैसा कि हमने देखा था सम टर्म्स में कुछ चार मिन टर्म्स आ रही थी इसी तरह कैरी आउट जो था जो जिसको हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था उसकी एक्सप्रेशन में भी चार मिन टर्म्स आ रहे थे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर हमने वन रखे थे सो so जो भी हम एड्रेस सेलेक्ट करते हैं उस मिन टर्म के लिए अगर वन है तो वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा एफ के बाद हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी ए टू डी कन्वर्टर्स एंड डी टू ए कन्वर्टर्स हमने बात की थी कि जो रियल वर्ल्ड सिग्नल्स हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं सो so, अगर आपने कोई एक्सटर्नल सिग्नल है जिसको आपने प्रोसेस करना है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एनोलाक टू डिजिटल फॉर्मेट इसी तरह जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको वापस आपने लेट्स से देखना है या कहीं आपने डिस्प्ले करना है या मेजर करना है तो उस इंफॉर्मेशन को वापस एनालॉग फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा एग्जाम्पल हमने दो तीन दी थी आपका मोबाइल फ़ोन है जब आप बोलते हैं तो एनालॉग फॉर्म में एक सिग्नल है वॉइस सिग्नल जो है वो एनालॉग से डिजिटल फॉर्मेट में चेंज होगा प्रोसेस होगा और उसके बाद आगे काम करेगा कम्युनिकेट होगा इसी तरह जब आप चीज़ सुन रहे हैं मोबाइल फ़ोन से तो आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वापस कन्वर्ट कर रहे हैं एनालॉग फॉर्म में जो कि आप सुन सकते हैं डिजिटल थर्मामीटर है इस तरह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एनोलॉग वैल्यू को मेजर करते हैं और डिजिटाइज फॉर्म में डिस्प्ले कर रहे होते हैं सो so बेसिकली हमने स्टार्ट की थी बात एनोलॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी बेसिकली सैम्पलिंग सैम्पलिंग हम ये कह रहे हैं कि जो एनालॉग इनपुट सिग्नल है उस के हमने सैंपल्स कलेक्ट करने हैं उन सैंपल्स को हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं सो so सैंपल्स कितने होने चाहिए कम होने चाहिए ज़्यादा होने चाहिए हमने ये कहा था और इनफैक्ट देखा भी था अगर सैंपल्स कम होंगे तो जो आउटपुट डिजिटाइज सिग्नल है वो अप्रोपेट नहीं होगा वो मैच नहीं कर रहा होगा जो इनपुट सिग्नल है सो दैट मींस हमें सैम्पलिंग ज़्यादा करनी होगी अगर बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग कर लें तो इंफॉर्मेशन जो है जो डाटा है प्रोसेसिंग के लिए जिसको डिजिटाइज करना है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है इतने सारे सैम्पल्स की जरूरत ना पड़े डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर सो बेसिकली एक रूल है जिसको हम कहते हैं नाइकुस्ट क्राइटेरिया नाइकुस्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि जो इनपुट सिग्नल है उसको सैंपल करने के लिए सैंपलिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल होनी चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल की सो अगेन एग्जांपल हुई है कि अगर 50 हर्ट्स का इनपुट सिग्नल है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसको सैम्पल करने के लिए 100 हर्ट्स पे करना सैम्पलिंग करनी होगी सो बेसिकली ये होगी सैम्पलिंग जो ही आप एक सैम्पल कोलेक्ट uh, करते हैं फ़ौरन आपने उसको डिजिटाइज करना है अब क्योंकि जो इनपुट सिग्नल है वो स्टडी स्टेट नहीं है वो बेसिकली चेंज हो रहा है तो सैम्पल जब आपने कलेक्ट किया नेक्स्ट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी सो दैट मीन्स आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है उसको आपने होल्ड करना है स्टेबल रखना है कुछ मिनिमम टाइम के लिए जब तक आपका जो सर्किट है उसको कन्वर्ट ना कर दे सो बेसिकली हमने बात की थी सैम्पल एंड होल्ड सर्किट की सैंपल जो पार्ट है वो सैम्पलिंग कर रहे हैं होल्ड पार्ट जो है वो बेसिकली एक लैच टाइप की चीज़ है जो इस इंफॉर्मेशन को एक मिनिमम टाइम के लिए होल्ड करती है ए टू डी कन्वर्टर जो है इस होल्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट हमने बात की थी क्वांटाइजेशन पे कोटाइजेशन हम कह रहे थे कि एक्चुअल जो एनोलाग सिग्नल है उसको जब आप डिजिटाइज कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्वांटाइजेशन कहते हैं प्वाइंटाइजेशन में ऑफ कोर्स आउटपुट पे आपको जो डिजिटाइज सिग्नल है वो कुछ बिट्स की फॉर्मेट में मिलेगा अगर टू बिट आउटपुट है तो जो आपका डिजिटाइज सिग्नल है वो टू बिट सिग्नल ही होगा या टू बिट इन्फॉर्मेशन होगी अगर फोर बिट ए टू डी कन्वर्टर है तो so आउटपुट में आपके पास फोर बेट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट मीन सिक्सटीन डिफरेंट लेवल्स होंगे हमने ये बात की थी कि जो आउटपुट में बिट्स हैं वो डिटर्मिन करेंगी कि कितना एक्यूरेट सिग्नल है जो डिजिटाइज सिग्नल है वो कितना एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट सिग्नल को एक एग्जांपल ली थी कि आप मतलब से 220 ट्वेंटी वोट्स को मैयर करना चाह रहे हैं तो अगर आउटपुट पे आपके पास टू बिट्स हैं तो आप चार डिफरेंट लेवल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सो so उन चार लेवल्स में जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसके करीब तो वो भी उसी उन चार बिट से चार लेवल से रिप्रजेंट होंगी सो so, अगर आपके क्वांटाइजेशन लेवल्स बढ़ा दें दैट मीन्स नंबर ऑफ़ बिट्स बढ़ा दें तो आपका जो आउटपुट डिजिटाइज सिग्नल है वो करीब करीब जो इनपुट सिग्नल है उसके उससे मिलने लगेगा सो so, जो कंपैरिजन है इनपुट सिग्नल की आउटपुट सिग्नल की वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी हमने ऑप एम्प्स पे बात की थी ऑप एम्प बेसिकली हर ए टू डी कन्वर्टर में यूज़ हो रहे होते हैं सो so, दो डिफरेंट कॉन्फिगेशन हमने डिस्कस की थी ऑप एम्प को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं और एज एन एज ए कम्प्रेटर यूज़ कर सकते हैं कम्प्रेटर में बेसिकली दो इनपुट्स थे एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट था और एक इन्वर्टिंग इनपुट था डिपेंड करता है कि इन दोनों इनपुट्स पे किस किस्म की वोल्टेज है उनका मैग्नीट्यूड क्या है सो अगर नॉन इन्वर्टिंग पे जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो आउटपुट लॉजिक वन हो जाएगा हाई हो जाएगा अगर इन्वर्टिंग इनपुट पे जो सिग्नल अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है सो आउटपुट पर जीरो वोल्ट अवेलेबल होंगे इस तरह इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली आउटपुट पर सिग्नल uh, जो है उसको एम्पलीफाई करके दे रहा है एज़ कम्पेयर टू द इनपुट सिग्नल और वो हमने एक फार्मूला देखा था बेसिकली इट्स माइनस आर एफ ओवर आर एन इसके बाद हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी जो पहला ए टू डी कन्वर्टर है फ्लैश ए टू डी कन्वर्टर फ्लैश ए टू डी कन्वर्टर जो है इट्स वेरी फास्ट जो कन्वर्जन टाइम है जो इनपुट सैम्पल सिग्नल है इन टू आउटपुट डिजिटल सिग्नल वो एकदम से पैरल में बेसिकली कन्वर्ट करता है तो हमने ये कहा था कि फ्लैश कन्वर्टर जो है हाई स्पीड एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होगा आपके वीडियो सिग्नल्स हैं उनको डिजिटाइज़ करना है तो उधर ये इस्तेमाल हो रहा होगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है क्योंकि बेसिकली uh, आपको बहुत सारे कॉम्परेटर्स चाहिए तो अगर आपका जो फ्लैश कन्वर्टर है उसकी कॉन्टाइजेशन लेवल ज़्यादा हैं दैट मीन्स आउटपुट पे बेट्स ज़्यादा हैं सो दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्परेटर्स भी ज़्यादा होंगे बेसिकली इसका जो ऑपरेशन है वो बेस्ड है कि आपके पास एक रजिस्टर नेटवर्क है जिसके अक्रॉस आपने एक रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया हुआ डिफरेंट जो रजिस्टर्स हैं उनका आउटपुट ऑफ़ कोर्स हर रजिस्टर की एक ही वैल्यू है तो वो जो रेफरेंस वोल्टेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू आउट दैट रजिस्टर नेटवर्क आपके पास मल्टीपल कॉम्परेटर्स हैं जिनका इन्वर्टिंग इनपुट जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है हर रजिस्टर के आउटपुट के साथ दैट मीन्स हर कॉम्परेटर के साथ एक रेफरेंस वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई है कनेक्ट की हुई है जो सैम्पल्ड सिग्नल है जिसको आपने डिजिटाइज करना है वो आप कनेक्ट कर रहे हैं वो आप अप्लाई कर रहे हैं हर कंपरेटर uh, के साथ हर कंपरेटर के इनपुट पे, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है बेसिकली इससे होगा क्या रेफरेंस वोल्टेजेस क्योंकि हर कंपरेटर पे जो अप्लाई हो रही हैं वो डिफरेंट हैं कंप्यूटर के आउटपुट यहाँ वन होंगे या ज़ीरो होंगे डिपेंड करता है कि जो इनपुट सैंपल सिग्नल है जिसको आपने कन्वर्ट करना है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है या कम है अगर रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है कंप्यूटर का आउटपुट वन हो जाएगा अगर रेफरेंस वोल्टेज से कम है आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा जितने भी कंपरेटर्स हैं उनका आउटपुट हम कनेक्ट कर रहे हैं एक प्रायोरिटी इनकोडर के साथ प्रायरिटी इन जैसे कि आपको मालूम है मल्टीपल इनपुट्स हैं उनमें से एक ही इनपुट हम सिलेक्ट करते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है कोड मिलता है हमें जो जो बता रहा होता है कि ये वाला इनपुट हमने सेलेक्ट किया था अगर एक से ज़्यादा इनपुट सिलेक्ट हो जाए तो जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसी का आउटपुट पर कोड मिलेगा सो so, हमने एग्जाम्पल देखी थी कि अगर हम फाइव वोल्ट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जो पाँच कंपरेटिव सर्किट्स हैं उनका आउटपुट वन हो जाएगा और जो दो कंपरेट सर्किट्स हैं उनका आउटपुट जीरो हो जाएगा तो पांच जो कम्प्रेटर सर्किट हैं जिसका जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है जो कि कनेक्ट हुआ हुआ है प्रायोरिटी इनकोडर के हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट के साथ उसी का थ्री बिट कोड हमें आउटपुट पर मिल रहा है और जैसे हमने देखा था एग्जांपल में आउटपुट पे हमें 101 मिल रहा है जो कि इनपुट सिग्नल फाइव को रिप्रजेंट कर रहा है नेक्स्ट जो ए टू डी कन्वर्टर हमने देखा था वो था एक ड्यूल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर ये हमने कहा था कि इसकी जो कन्वर्जन इसका जो कन्वर्जन टाइम है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश कन्वर्टर और ये यूज़ हो रहा है डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो डिजिटल वोल्ट मीटर्स हैं एम मीटर्स हैं उसमें यूज़ हो रहा है और बहुत से डिफरेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं टेम्परेचर है इस किस्म के तो उधर बेसिकली यूज़ करते हैं ड्यू uh, स्लोप हम इसलिए इसको कहते हैं कि जो इसका सर्किट है उसमें एक हमने इंटीग्रेटर लगाया हुआ जो कि ऑप एम की मदद से हमने इम्प्लीमेंट किया है सो so, शुरू में इसके आउटपुट पे एक नेगेटिव गोइंग वोल्टेज मिलती है स्ट्रेट लाइन की सूरत में फिर हम बीच में जो स्विच है जहाँ हमने इनपुट सैंपल अप्लाई किया है उसको स्विच करते हैं वी रेफरेंस के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं तो जो नेगेटिव वोल्टेज है वो राइज़ होनी शुरू होती है जीरो वोल्ट पे जाती है तो अगर इसको देखें ग्राफिकली प्लॉट करें तो दो स्लोप्स हमें मिल रहे हैं इसलिए हम इसको ड्यूल स्लोप कहते हैं इसका जो ऑपरेशनल पर्पस uh, है या जो तरीका है वो बेसिकली इस तरह है कि जो इनपुट सैंपल है जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो इस इंटीग्रेटर के इनपुट पे लगाते हैं इंटीग्रेटर जो है उसमें कैपेसिटर फीडबैक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि चार्ज होना शुरू हो जाता है सो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट वोल्टेज वो कैपेसिटर जो है उतने टाइम में वो बेसिकली चार्ज हो जाएगा जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो जो ही हमने सर्किट जो इनपुट सैंपल के साथ कनेक्ट किया आउटपुट जो है जीरो से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है उस पर हमने एक कम्पेटर लगाया हुआ है जिसका पॉजिटिव इनपुट जो है उसको ग्राउंड किया हुआ है और जो नेगेटिव इनपुट है वो इस इंटीग्रेटर के आउटपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है so, सो जो ही आउटपुट इंटीग्रेटर का नेगेटिव होगा जो कम्परेटर सर्किट है उसका आउटपुट वन हो जाएगा कंप्यूटर का आउटपुट जो है हमने एक एंड गेट के साथ कनेक्ट किया हुआ दैट मीज एंड गेट जो है इनेबल हो जाता है एंड गेट का दूसरा जो इनपुट है वो हमने क्लॉक सिग्नल के साथ अप्लाई किया हुआ सो दैट मीन्स एंड गेट के आउटपुट पे हमें क्लॉक सिग्नल मिल रहा है एंड गेट का आउटपुट हमने एक काउंटर के साथ कनेक्ट किया हुआ सो बेसिकली क्लॉक पल्स मिल रही है और काउंटर जो है इंक्रीमेंट हो रहा है कंपरेटर uh, का आउटपुट जो ही वन होता है जब तो उसका इनपुट जो वोल्टेज है जो ही नेगेटिव हो रही है तो उससे हम एक और सर्किट को एक्टिवेट करते हैं जो कि काउंटर को रीसेट कर देता है और साथ में काउंटर जो है इंक्रीमेंट करना शुरू हो जाता है हमने ये कहा था कि काउंटर कितनी देर तक काउंट करेगा डिपेंड करता है कि कितने बिट काउंटर है एन बिट काउंटर है तो एन बिट्स तक काउंट करेगा जब ये काउंटर इंक्रीमेंट करता हुआ अपने टर्मिनल काउंट तक पहुंच जाता है फिर बेसिकली ये रिसाइकिल करेगा ज़ीरो जीरो जीरो पर राइट तो जैसे हमने काउंटर्स में पढ़ा था जो ही एक काउंटर एक टर्मिनल काउंट पे पहुंचेगा तो एक टर्मिनल काउंट आउटपुट जनरेट करेगा सो यही आउटपुट जो है उस कंट्रोल सर्किट को पल्स मिलेगी, कंट्रोल सर्किट क्या करेगा इट इज़ गोइंग टू स्विच चेंज ओवर द स्विच जो कि इनपुट सैम्पल के साथ कनेक्टेड है इंटीग्रेटर जो है इनपुट सैम्पल के साथ कनेक्टेड है इनपुट सैम्पल वोल्टेज के साथ स्विच so, को कनेक्ट कर देगा एक नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ सो so, बेसिकली जो कैपेसिटर है वो चार्ज हुआ हुआ है जो सैंपल वोल्टेज है उस वोल्ट तक लग से सैम्पल वोल्टेज फाइव वोल्ट है तो कैपैसिटर फाइव वोल्ट तक चार्ज हुआ है तो जो ही आप स्विच करते हैं माइनस वी रेफरेंस से कोनेक्ट करते हैं कैपैसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा अब कितने टाइम में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा जीरो वोल्ट तक पहुंचेगा ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे जो चार्ज है कैपेसिटर पे पड़ा हुआ है सो हमने ये डिस्कस किया था अगर फाइव वोल्ट तक चार्ज हुआ है तो ज़्यादा टाइम में डिस्चार्ज करेगा अगर टू वोल्ट पे है तो कम टाइम में डिस्चार्ज करेगा सो बेसिकली ये टाइम है ये डिटर्मेंड करता है कि जो काउंटर है वो कितनी वैल्यू तक काउंट करेगा सो बेसिकली जू ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है ज़ीरो वोल्ट्स पे आ जाता है कंपरेटर का आउटपुट वापस ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो होने से काउंटर जो है वो काउंट करना बंद कर देगा क्योंकि जो एंड गेट है वो डिसेबल हो जाएगा काउंटर जब स्टॉप uh, कर देगा काउंट करना जो कंट्रोल सर्किट है वो इस वैल्यू को लैच कर देगा और हमारे पास ये कन्वर्टेड आउटपुट आ जाएगा जो भी सैंपल इनपुट था उसका डिजिटाइज वर्जन हमारे पास होगा आइए एक नए ए टू डी कन्वर्टर पर बात करते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जैसे नाम से ज़ाहिर है हम सीक्वेंस में वैल्यूज जनरेट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट करे जो इनपुट सिग्नल है जो सैम्पल सिग्नल है उसके साथ अप्रोक्सीमेट करे अगर उससे नहीं मिलता तो फिर हम एक नई अप्रोक्सीमेशन करते हैं एक नई वैल्यू जनरेट करते हैं फिर उसको हम जो इनपुट सिग्नल है उसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं सो so, इसलिए हम इसको कह कहने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर काफ़ी सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है इसका जो ऑपरेशन है वो भी काफ़ी सिंपल है और काफ़ी सारे एप्लीकेशन में ये यूज़ हो रहा होता है आइए देखते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसे है इसके इसके जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या हैं और आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर जो है उसके बेसिकली तीन मेन पार्ट्स हैं एक रजिस्टर है जिसमें हम वैल्यूज़ स्टोर कर रहे हैं एक डी टू ए कन्वर्टर है जो कि डिजिटल वैल्यू को एनोलॉग में कन्वर्ट कर रहा है और एक हमारे पास कंपरेटर है जो कि इनपुट सैंपल को इस डी टू ए कन्वर्टर के आउटपुट के साथ कंपेयर करता है सो so बेसिकली हम एज्यूम करते हैं कि एग्जांपल 5 वोल्ट इनपुट सिग्नल है जिसको हमने कन्वर्ट करना, करना है डिजिटाइज करना है सो so, जो रजिस्टर है वो बेसिकली फोर बेड का रजिस्टर है और इनिशियली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बेड है उसको हम वन कर देंगे बाकी जो तीन बेड्स हैं उनको जीरो ज़ीरो जीरो रहने देंगे बेसिकली ये जो नंबर बन रहा है हमारे पास वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट को अब ये जो फोर बेट नंबर है ये हम अप्लाई करते हैं जो डी टू ए कन्वर्टर है उसके इनपुट पे तो डी टू ए कन्वर्टर जो है वो फोर बेट इनपुट का कन्वर्टर है सो so आउटपुट पे जब हमने वन जीरो 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 अपलाई किया आउटपुट पे एट वोल्ट हमारे पास आ जाएंगे जो कि एक एनालॉग फॉर्म है इस डिजिटल इनपुट की जो डी टू ए कन्वर्टर का आउटपुट आ रहा है उसको हमने बेसिकली कंपेयर करना है जो हमारा इनपुट सैम्पल सिग्नल है सो so बेसिकली हम एक कंपरेटर की मदद से इन दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं जो हमारा इनपुट सैम्पल है जो सिग्नल है जिसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिजिटल वैल्यू वो हम पॉजिटिव जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है कम्प्यूटर का उस पर अप्लाई कर रहे हैं और जो डी टू ए कन्वर्टर का आउटपुट है वो हम इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं अब क्योंकि जो इन्वर्टिंग इनपुट का जो जिस पे इन्वर्टिंग इनपुट जिस जिसपे हमने सिग्नल अप्लाई किया वो एट वोल्ट है वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर जो सिग्नल अप्लाई किया तो कंप्यूटर का आउटपुट जीरो आ जाएगा बेसिकली जब भी कम्प्यूटर का आउटपुट जीरो आता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की है वो गलत है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारी क्या थी बेसिकली वन ज़ीरो 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 था जिसकी वजह से एट वोल्ट प्रोड्यूस हुआ था सो so, अब कम्प्यूटर का आउटपुट जब ज़ीरो आया तो हम बेसिकली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बेट है उसको हम जीरो कर देंगे और जो नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बेट है उसको वन कर देंगे सो आप बेसिकली जो रजिस्टर है उसमें अब स्टोर है वैल्यू जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो अब ये बिट वैल्यू जो है हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं डी टू ए कन्वर्टर के इनपुट पर अब डी टू ए कन्वर्टर जो है इस वैल्यू को अगेन एनालॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फोर वोल्ट के बराबर होगी अब अगेन इस फोर वोल्ट को हमने कंपेयर करना है जो हमारा ओरिजिनल इनपुट सैम्पल सिग्नल है उसके साथ अगेन वही कंप्रेटर जो है वही यूज़ कर रहे हैं अब क्योंकि इन्वर्टेड इनपुट पे वैल्यू जो है वो फोर है नॉन इन्वर्टेड इनपुट पे वैल्यू फाइव है तो जो कम्परेटर का आउटपुट है वो लॉजिक वन होगा लॉजिक वन का मतलब है कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ये बेहतर है सो दैट मीन्स आपने जो ज़ीरो वन किया था नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसको आपने वन पे रिटेन रखना है और उसके बाद वाली ली सिग्निफिकेंट बेट है उसको आपने वन कर देना है सो so नेक्स्ट जो स्टेट होगी उस रजिस्टर की उसमें वैल्यूज़ आपके पास आ गई ज़ीरो वन वन एंड ज़ीरो सो ये ज़ीरो वन वन ज़ीरो जो है अब आप अगेन दोबारा डी टू ए कन्वर्टर है उसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे डी टू ए कन्वर्टर इस डिजिटल वैल्यू को फोर पे डिजिटल वैल्यू को कन्वर्ट करेगा आपके पास आउटपुट पे सिक्स आ जाएगा अब सिक्स को अगेन दोबारा से कंपेयर कर रहे हैं आप यूजिंग दैट कम्परेटर सर्किट सिक्स जो है इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग uh, जो इनपुट है कम्प्यूटर का उस पर फ़ाइव है सो so आउटपुट जो है अगेन हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेशन करेक्ट नहीं है सो so अब हम क्या करेंगे बेसिकली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो तो ज़ीरो पे सेट हुई है नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो वन पे सेट हुई है उसके बाद वाली बिट जो थी हमने वन पे सेट की थी उसको वापस ज़ीरो पे सेट कर देंगे और लास्ट वाली बिट जो है वो वन पे सेट कर देते हैं अब जो रजिस्टर में इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली जीरो वन जीरो वन अब ये इंफॉर्मेशन जो डी टू ए कन्वर्टर के इनपुट पे अप्लाई करेंगे डी टू ए कन्वर्टर के आउटपुट पे हमारे पास फाइव वोल्ट होगा फाइव वोल्ट को हम कंपेयर करेंगे विद द ओरिजिनल सैम्पल जो है जिसकी वैल्यू अगेन फाइव वोल्ट है कंपरेटर का जो आउटपुट है वो वन आएगा वन का मतलब है ये अप्रॉक्सीमेशन करेक्ट थी और इधर हमारी जो कन्वर्जन है वो कम्प्लीट हो जाएगी अगर आप रजिस्टर के कॉन्टेंट्स पढ़ें उसमें हमें जीरो वन जीरो वन मिलेगा जो कि है फाइव इक्वलेंट ऑफ दी औरिजिनल सिग्नल जो कि सैम्पल था फाइव वोल्ट था आउटपुट पे हमें फोर बेट वैल्यू में भी फाइव मिल रहा है इसमें जो कन्वर्जन टाइम है वो डिपेंड करता है कि कितने बेट का आउटपुट हमें मिल रहा है फोर बेट है तो फोर टाइम इंटरवल्स में ये कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है अगर जो क्वांटाइजेशन uh, लेवल है या आउटपुट बिट्स हैं वो आठ हों दैट मीन्स टोटल कन्वर्जन जो है वो आठ टाइम इंटरवल्स में होगी आइए देखते हैं इस सक्सेसिव ए टू डी सर्किट जो है कन्वर्टर है इसका सर्किट डायग्राम। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेन ए टू डी कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया सबसे नीचे एक रजिस्टर है जिसमें फोर बिट्स हम स्टोर कर रहे हैं ऊपर डिजिटल टू एनोलॉग कन्वर्टर दिखाया गया है जिसका फोर बिट इनपुट है और एक एनोलॉग आउटपुट है लेफ्ट हैंड साइड पे कम्परेटर है डिजिटल टू एनोलॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट है इनवर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्टेड है कंपरेटर के और जो दूसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उधर हम इनपुट जो सैंपल है उसको कनेक्ट किया हुआ है आइए देखते हैं ये ऑपरेट कैसे कर रहा है डायग्राम में हम इनिशियली जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को वन कर रहे हैं इनपुट जो सैम्पल है उसकी वैल्यू 5.1 है डी टू ए कन्वर्टर इस वैल्यू को 1000 को कन्वर्ट करता है आउटपुट में 8 वोल्ट्स आ जाते जा हैं कंपरेटर जो है उसके आउटपुट पे लो आता है सो so हम बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जीरो पे सेट कर देते हैं नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको वन पे कर रहे हैं सो so अब जो ये नई इंफॉर्मेशन है जीरो वन उसको हम अप्लाई करते हैं डी टू ए कन्वर्टर के इनपुट पर डी टू ए कन्वर्टर इसको कन्वर्ट करता है इन टू एन एनालॉग वोल्टेज जो कि फोर वोल्ट्स है फोर वोल्ट्स को हम 5.1 से कंपेयर करते हैं कंप्यूटर का आउटपुट हाई आ जाता है सो so, इस बिट को हम रिटेन करते हैं नेक्स्ट ली सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको वन करते हैं अब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर में पड़ी हुई वो 0, 1, 1, 0 है वो जीरो वन वन ज़ीरो है इस इंफॉर्मेशन को हम डी टू ए कन्वर्टर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं डी टू ए कन्वर्टर का आउटपुट 6 वोल्ट्स है 6 वोल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं 5.1 जो ओरिजिनल हमारा सैंपल है उसके साथ कंप्रेटर का आउटपुट लो हो जाता है दैट मीन्स इस पर्टिकुलर बिट को जो हमने 1 पे सेट की थी वापस रीसेट करना होगा 0 पे सो so, लास्ट जो इंटरवल है उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जीरो ये इंफॉर्मेशन हम डी टू ए कन्वर्टर पर अप्लाई कर रहे हैं डी टू ए कन्वर्टर का आउटपुट जो है फाइव वोल्ट आ गया जब इसको कंपेयर कर रहे हैं फाइव पॉइंट वन वोल्ट के साथ कंपरेटर का आउटपुट हाई आता है सो so, आखिरी जो बिट है हम उसको रिटेन करते हैं और इससे जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया क्योंकि फोर बिट का ये ए टू डी कन्वर्टर है अभी हमने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर देखा ये जैसे मैंने बताया है, काफ़ी इसका स्ट्रक्चर सिंपल uh, है और uh, काफ़ी एप्लीकेशंस में ये इस्तेमाल होता है जो कन्वर्जन टाइम है वो डिपेंड करता है इसके क्वांटाइजेशन लेवल पे आउटपुट पे कितने बेट्स हैं अगर चार बेट्स हैं तो चार टाइम इंटरवल्स में वैल्यू कन्वर्ट करेगा अगर आठ बेट्स हैं तो आठ टाइम इंटरवल्स में कन्वर्ट करेगा आइए अब हम देखते हैं कि ए टू डी कन्वर्टर्स में एरर्स किस किस्म के हो सकते हैं तीन किस्म के एरर्स हैं एक ऑफसेट एरर है एक इनकोरेक्ट कोड एरर है और एक मिसिंग कोड एरर है बेसिकली हम करते क्या हैं कि कोई सा भी ए टू डी कन्वर्टर जिसको हमने टेस्ट करना है उसके इनपुट पे हम एक कॉन्टीन्यूसली राइजिंग एनोलॉग सिग्नल अप्लाई करते हैं सो so बेसिकली जो आउटपुट है ए टू डी कन्वर्टर की वो भी कॉन्टीन्यूसली राइजिंग होनी चाहिए डिजिटलाइज फॉर्म में सो so, इस आउटपुट को हम ऑब्जर्व करते हैं सो so, अगर इसमें कोई मिसिंग कोड होगा तो वो एक स्लोप की सूरत में आउटपुट हमें नहीं मिलेगा उसमें से एक कोड मिसिंग होगी अगर इनकोरेक्ट कोड है तो अगेन वो स्ट्रेट लाइन जो है राइजिंग आउटपुट है वो हमें नहीं मिलेगा बीच में हम देखेंगे कि कुछ इनपुट uh, वैल्यूज़ के लिए कुछ एनोलॉग इनपुट वैल्यूज के लिए जो आउटपुट है वो डिफरेंट आ रही है और ऑफसेट जो वैल्यू है बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एनालॉग इनपुट जो है लेट्स से वन वोल्ट से टेन वोल्ट पे जा रही है तो हमारे जो आउटपुट है डिजिटल आउटपुट वो भी उसी को उस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए पर कंपरेटर अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो हमें जो आउटपुट है वो या तो हायर अपर लेवल पे मिलेगा या लोअर लेवल पर मिलेगा आइए इन तीनों एरर्स को हम डायाग्राम्स की मदद से समझते हैं पहले डायग्राम को देखें जिसमें एक मिसिंग कोड दिखाया गया है बेसिकली ए टू डी कन्वर्टर के इनपुट पे हमने कॉन्टीन्यूसली राइजिंग सिग्नल अप्लाई किया है तो उसके आउटपुट पे जिसका आउटपुट फोर पेट है हमें कॉन्टीन्यूसली राइजिंग सिग्नल मिल रहा है सो so, सबसे पहले हमें आउटपुट में ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो मिला उसके बाद जो इनपुट सिग्नल है एनवॉर्क सिग्नल वो राइज हुआ तो आउटपुट में हमें ज़ीरो जीरो जीरो वन मिल गया सो ऑन so अगर आप वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो आउटपुट को देखें उसके बाद हमारे पास आउटपुट आना चाहिए वन ज़ीरो ज़ीरो वन जो डायग्राम है उसमें वन ज़ीरो 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 दिखाया गया है दैट मीन्स एक इनकोरेक्ट कोड आ रहा है इनपुट जो एनालॉग सिग्नल है वो कॉन्टिनसली राइज कर रहा है दैट मीन्स ए टू डी जो है उसमें एक मिसिंग कोड है बेसिकली ये क्या वजह हो सकती है अगर ये फ्लैश कन्वर्टर है तो उसमें एक कंपरेटर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये एक मिसिंग कोड हमें मिल रहा है सेकेंड जो डायग्राम है इसमें इनकोरेक्ट कोड्स दिखाए गए हैं अगेन इनपुट पे ए टू डी जो कन्वर्टर है उसके इनपुट पे एक एनालॉग सिग्नल है वो कॉन्टीन्यूसली राइज कर रहा है सो so आउटपुट में जो डिजिटल आउटपुट है वो भी कॉन्टीन्यूसली राइज होना चाहिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है इनिशियली जो आउटपुट है इट्स ज़ीरो जीरो 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 उसके बाद ज़ीरो 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 वन उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो वन जीरो होना चाहिए था जबकि डायग्राम में ज़ीरो 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 दिखाया गया नेक्स्ट इंटरवल में टू से थ्री पे वैल्यू हो जाना ही चाहिए जो कि इधर वन दिखाई गई है बेसिकली ये स्टक एट फॉल्ट की वजह से हो रहा है जो हमारा ए टू डी कन्वर्टर है उसके जो बिट्स हैं वो परमानेंटली ज़ीरो हुए हुए हैं जो सेकेंड मोस्ट सेकेंड सेकेंड बेट है वो परमानेंटली ज़ीरो पे कनेक्ट हुआ हुआ है तो जो मर्ज़ी आप इनपुट पे अप्लाई करेंगे जो भी एनालॉग सिग्नल अप्लाई करेंगे आउटपुट पे वो बिट्स काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके पास इनकोरेक्ट कोड्स आ रहे हैं तीसरे डायग्राम में ऑफसेट एरर दिखाया गया है इस डायग्राम में जो इनपुट सिग्नल है एनालॉग सिग्नल है उसको भी प्लॉट किया हुआ है और इसका जो आउटपुट डिजिटाइज वर्जन है उसको भी प्लॉट किया गया है जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है इनिशियली जो एनालॉग इनपुट सिग्नल है वो जीरो है इसका डिजिटाइज आउटपुट जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए जबकि डायग्राम में टू दिखाया गया है इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल में जो इनपुट अनोलॉग सिग्नल है वो राइज होके वन पे पहुंच गया है सो so, आउटपुट जो है वो वन होना चाहिए जबकि इधर थ्री दिखाया गया है सो दैट मीन्स जो आउटपुट सिग्नल है जो डिजिटाइज सिग्नल है वो एक ऑफ पे है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एनोलॉग इनपुट सिग्नल ये बेसिकली कंप्रेटर की वजह से है जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहा अभी हमने जो कॉमन एरर्स हो सकते हैं ए टू डी कन्वर्टर्स को उनको देखा इनमें से कुछ एरर्स जो है उनको कॉम्पनसेट किया जा सकता है कुछ एरर्स को हम कॉम्पनसेट नहीं कर रहे अगर इनकोरेक्ट कोड आ रहा है तो उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है अगर ऑफसेट एरर आ रहा है तो उसको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं हम ये जो ऑफसेट जिस जिस अमाउंट से ऑफसेट हो रहा है उसको अगले सर्किट में कॉम्पनसेट किया जा सकता है आइए अब हम बात करते हैं डिजिटल टू एनोलाग कन्वर्टर्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स बेसिकली जो इनपुट है वो डिजिटल इनपुट है और उसको हमने कन्वर्ट करना है इन टू एनोलॉग फॉर्म बेसिकली चार बिट का अगर कन्वर्टर है तो फोर बिट बाइनरी इनपुट हम अप्लाई करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो एनोलाग फॉर्म में मिलेगी प्रिंसिपल क्या है कन्वर्जन का बेसिकली हम जो ऑप ओपहैम्प है उसको एज ए समर के तौर पर जो कि एक सम करता है इनपुट्स को उसके तौर पर कन्फिगर करते हैं सो so, जो इनपुट सिग्नल है लेट अस सपोज वन 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 हमने अप्लाई किया है तो जो ऑप एम्प है उसके इनपुट पे हम एक ऐसा रजिस्टर नेटवर्क लगाएंगे जिसकी मदद से जो वन 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 है जो कि फाइव वोल्ट से रिप्रजेंट हो रहा है लॉजिक वन जो है फाइव वोल्ट से रिप्रजेंट हो रहा है सो so इनपुट पे फाइव वोल्ट फाइव वोल्ट फाइव वोल्ट एंड फाइव वोल्ट अप्लाई होगा हम रजिस्टर्स के थ्रू करंट्स डिटरमिन कर लेंगे सो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बेट है वो ज़्यादा करंट जनरेट करेगा नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बेट है वो जो करंट जनरेट करेगा उससे हाफ होगी उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बेट है वो उसकी भी हाफ होगी और जो आखिरी वाली बेट है उसकी वन एट्थ करंट होगी सो बेसिकली इन सारी करंट्स को अगर हम ऐड करें और जो हमारा ऑप एम्प है उस पर अप्लाई करें तो आउटपुट जो है हमारा वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारा डिजिटल इनपुट सिग्नल है सो so, एक जो हमारे पास डी टू ए कन्वर्टर है उसको हम कहते हैं बाइनरी वेड इनपुट डी टू ए कन्वर्टर इसमें वही है कि इनपुट पे हमने एक रजिस्टर्ड नेटवर्क लगाया है जिनके मैग्नीट्यूड ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि जो भी हम डिजिटल इनपुट अप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग करंट हमें जनरेट करके दे रहा होता है या उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो कॉरस्पॉन्ड करता है उसके वेट से सो so, आउटपुट में हमारे पास सम आ, वोल्टेज आती है जो कि इक्विवेलेंट होती है उस डिजिटल वैल्यू के आइए सर्किट को देखते हैं और फर्दर इस पर डिस्कशन करते हैं डायग्राम में एक फोर बिट बाइनरी वेट इनपुट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे चार रेजिस्टर्स हैं एक की वैल्यू आर है दूसरे की डबल है उससे टू आर तीसरे की उससे भी डबल है फोर आर और चौथे की उससे डबल है एट आर सो जो आर रजिस्टर है उसके इनपुट पे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बिट थ्री जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं टू आर जो रजिस्टर है उसके इनपुट टर्मिनल पे हम बिट टू जो नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको अप्लाई कर रहे हैं फोर आर जो रजिस्टर है उस पे हम बिट वन को अप्लाई कर रहे हैं और जो एट आर रजिस्टर है उसके इनपुट पर हम बिट जीरो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली बिट जो है ज़ीरो वन टू थ्री ये तो यहाँ हाई हो सकती है या जीरो हो सकती है अगर जीरो है दैट मीन्स नो करंट फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर रजिस्टर्स फॉर एग्जाम्पल बिट जीरो अगर जीरो है तो एट आर रजिस्टर है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसी तरह अगर बेट वन या बिट टू या बिट थ्री इनमें से जीरो हैं तो फोर आर टू आर और आर रजिस्टर्स में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा रिस्पेक्टिवली अगर बिट जो है वो फाइव वोल्ट पे है या लॉजिक हाई है तो तब करंट फ्लो होगा अगर बिट जीरो जो है लॉजिक वन पे सेट हुआ है दैट मीन्स फाइव वोल्ट अप्लाई हो रहे हैं एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ़ द एट आर रजिस्टर सो इसमें से जो करंट गुजरेगा वो बेसिकली फाइव डिवाइड बाई एट आर होगा इसी तरह अगर बिट वन जो है लॉजिक वन पे सेट हुआ हुआ है सो फोर आर जो रजिस्टर है उसमें से जो करंट गुजरेगा वो फाइव डिवाइड बाई फोर आर होगा सो so, इसमें से जो करंट गुजर है वो डबल होगा जो एट आर में से गुजरेगा इसी तरह बेट टू अगर वो 5 वोल्ट पे है तो जो 2 आर रेजिस्टर है उसमें से जो करंट गुजरेगा वो होगा 5 डिवाइड बाय 2 आर अगेन ये करंट जो है डबल है जो 4 आर रेजिस्टर में से गुजर है और जो 8 आर रेजिस्टर में से गुजर है उसके फोर टाइम्स होगा इसी तरह जो लास्ट रेजिस्टर है आर उसके इनपुट पे अगर बेट थ्री जो है फाइव वोल्ट पे कनेक्टेड है सो तो इसमें से जो करंट गुजरेगा वो फाइव डिवाइड बाई आर होगा जिसकी वैल्यू सारे रजिस्टर्स दिया में से ज्यादा है चारों रजिस्टर्स के जो आउटपुट हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं सो इनमें से जो भी करंट गुजर रहा है वो सम हो जाएगा और ये सारा का सारा जो करंट है ये आर एफ जो फीडबैक रजिस्टर है उसके थ्रू गुजरेगा और हमें आउटपुट पे एक वोल्टेज मिलेगी अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये प्रोपोर्शनल होगी जो फोर बिट इनपुट हमने अप्लाई किया है डायग्राम में एक टेबल दिखाया गया जिसमें डिफरेंट करंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है फॉर डिफरेंट इनपुट वैल्यूज सो so, अगर हम इनपुट पे ज़ीरो 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 अप्लाई करते हैं सो so चारों रजिस्टर्स में से कोई करंट नहीं गुजरेगा जो फीडबैक रजिस्टर है उसमें से भी कोई करंट नहीं गुजरेगा आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज़ीरो वोल्ट्स होगी अगर हम इनपुट पे ज़ीरो 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 वन अप्लाई करते हैं दैट मीन्स जो एट आर जो ली सिग्निफिकेंट बेड के साथ कनेक्टेड है उसके थ्रू करंट गुजरेगी बाकी जो तीन रजिस्टर्स हैं आर टू आर फोर आर उनमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा सो so, जो करंट की वैल्यू है वो पॉइंट सिक्स टू फाइव दिखाई गई है क्योंकि आर जो है एट आर जो है उसकी वैल्यू है एट के टोटल करंट जो है वो पॉइंट सिक्स टू फाइव मिली एम्स होगा जो कि फीडबैक रजिस्टर में से गुजर रहा है आउटपुट में हमें माइनस वन वोल्ट्स मिल रहे हैं आर एफ जो फीडबैक रजिस्टर है उसकी वैल्यू जो है वन पॉइंट सिक्स के रखी गई है इसी तरह नेक्स्ट अगर इनपुट को देखें जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो जो सेकेंड लीस सिग्निफिकेंट बिट है उसको हमने वन रखा है ली सिग्निफिकेंट बिट को जीरो रखा हुआ है और जो टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको भी जीरो रखा हुआ है सो दैट मीन्स फाइव वोल्ट डिवाइड बाय फोर आर करंट जो मिल रहा है जो करंट फोर आर रजिस्टर में से फ्लो हो रहा है वो है वन पॉइंट टू फाइव मिली एम्प्स बाकी रजिस्टर्स में क्योंकि कोई करंट नहीं है जो टोटल करंट है वो वन पॉइंट टू फाइव है वो फीडबैक रजिस्टर में से फ्लो हो रहा है जो वोल्टेज आउटपुट पर हमें मिल रहा है माइनस टू बेसिकली ये एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर भी काम कर रहा है अगर हम देखें नेक्स्ट इनपुट को जहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट टू बैट्स हैं वो जीरो जीरो हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट टू बेट् हैं वो वन वन हैं सो दैट मीन्स एट आर रजिस्टर में से और फोर आर रजिस्टर में से अप्रोप्रिएट करंट फ्लो होगा सो फोर आर रजिस्टर में से वन पॉइंट टू फाइव मिली एम फ्लो हो रहा है और एट आर में से पॉइंट सिक्स टू फाइव मिली एम्प फ्लो हो रहा है टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है वो है वन पॉइंट एट सेवन फाइव जो कि आर एफ फीडबैक रजिस्टर में से फ़्लो होगा सो so, ये जो करंट है मल्टीप्लाइड विद द रजिस्टर वैल्यू ये हमें आउटपुट वोल्टेज देगा जो कि माइनस थ्री है अब अगर वोल्टेज को देखें जब हमारा इनपुट था 0001 तो आउटपुट पे हमें माइनस वन वोल्ट मिले इसी तरह इनपुट जब था 0010 जो कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट पे हमें माइनस टू वोट्स मिले इसी तरह 0011 जो है जो कि 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट में हमें माइनस थ्री वोल्ट्स मिले सो दैट मीन्स जो आउटपुट वोल्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं इनपुट जो बाइनरी वैल्यू है उसके टेबल में लास्ट वैल्यू को देख लेते हैं जो इनपुट बाइनरी इनपुट है वो है वन 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 दैट मीन्स फाइव वोल्ट अप्लाई हो रहे हैं अक्रॉस ऑल दी फोर रजिस्टर्स सो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रजिस्टर है उसके थ्रू फाइव मिली एम फ्लो होगी जो नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट रजिस्टर है उसमें टू पॉइंट फाइव मिली एमपियर होगी जो कि हाफ है पहले वाले रजिस्टर के जो तीसरा रजिस्टर है उसमें वन पॉइंट टू फाइव मिली एमपियर फ्लो हो रही है और जो आखिरी रजिस्टर है जो कि लीस सिग्निफिकेंट बेट के साथ कनेक्टेड है उसमें पॉइंट सिक्स टू फाइव मिली एम पीयर फ्लो हो रहा है इन चारों करंट्स का जो सम है वो है 9.375 ये करंट जो है फीडबैक रजिस्टर के थ्रू शो हो रहा है फीडबैक रजिस्टर की जैसे मैंने पहले वैल्यू बताई इट्स 1.6 के so, सो 9.375 इनटू 1.6 के जो है आपको माइनस फिफ्टीन वोल्ट दे रहा है सो so, इस केस में भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है वो रिप्रजेंट कर रही है इनपुट वैल्यू को जो कि है वन अभी हमने एक डी टू ए कन्वर्टर देखा बेसिकली बाइनरी वीट इनपुट डी टू ए कन्वर्टर इसमें जो था रजिस्टर जो नेटवर्क है हमने जो हमारा समर सर्किट है जो कि हमने ऑप एम की मदद से बनाया है उसके इनपुट पे चार डिफरेंट रजिस्टर वैल्यूज़ हमने लगाई हैं जो कि एक दूसरे के डबल हैं सो बेसिकली ये डिटर्मिन कर रही हैं जो करंट इनमें से फ़्लो होगा चारों रजिस्टर आपस में कनेक्ट किए हुए हैं जो आउटपुट करंट है वो बेसिकली बेस्ड होगी इन चारों रजिस्टर में से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है अब इस पर्टिकुलर डी टू ए कन्वर्टर में जो चार रजिस्टर्स लगाए हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत एक्यूरेट होने चाहिए वो एक दूसरे के डबल होने चाहिए अगर ये वैल्यूज़ एक्यूरेट नहीं होंगी हमारे पास जो करंट इनमें से फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर नहीं होगा सो आउटपुट जो वोल्टेज है वो भी प्रॉपर नहीं होगा उसमें एरर आ जाएगा सो so बेसिकली इन एग्जैक्ट वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल काम है सो so, इस किस्म के जो डी टू ए कन्वर्टर्स हैं एट बेड के लिए या सिक्सटीन बेड के लिए या ट्वेल्व बेड्स के लिए यूजुअली नहीं होते फोर बेड के लिए यूजुअली या बहुत स्मॉल नंबर ऑफ़ बेड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रजिस्टर्स को एग्जैक्ट वैल्यू पर रखना मुश्किल काम होता है नैक्स्ट हम एक और डी टू ए कन्वर्टर को डिस्कस करते हैं आर टू आर लेटर डी टू ए कन्वर्टर जैसे कि हमने अभी बात की जो बाइनरी वेड इनपुट डी टू ए कन्वर्टर है उसमें जो रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए अगर एग्जैक्ट ना होंगी तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसमें एरर आएगा वो एक्चुअल बाइनरी इनपुट को एग्जैक्टली exactly रिप्रेजेंट नहीं करेगा जो आर टू आर लेटर इनपुट ए टू डी कन्वर्टर है बेसिकली उसमें हमें जो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं हमने दो किस्म के रजिस्टर की वैल्यूज रखी हैं या तो उसकी वैल्यू आर होगी या उसकी डबल टू आर होगी हमें वो आर टू आर फोर आर एट आर वैल्यूज़ रखने की जरूरत नहीं है सो बेसिकली इसमें वैल्यूज़ अगर थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाए उससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता जो आउटपुट सिग्नल है वो रिप्रजेंट कर रहा होता है इनपुट सिग्नल को बेसिकली इसका जो ऑपरेशन है वो बेस करता है कि आर मब्लिक टू आर जो लेटर नेटवर्क है उस पर हम क्या इनपुट अप्लाई कर रहे हैं अगर फोर बिट का डी टू ए कन्वर्टर है तो हम फोर बिट वैल्यू अप्लाई करते हैं सो उन फोर बिट में से या तो कुछ वैल्यूज़ या कुछ बिट्स जो हैं ज़ीरो होंगी या कुछ वैल्यूज़ जो हैं फ़ाइव वोल्ट पे होंगी अगर जीरो पे हैं तो ये रजिस्टर्ड नेटवर्क जो है इनके कुछ टर्मिनल्स ग्राउंड हो जाएंगे जो टोटल इनपुट रजिस्टेंस है जो कि हमने जो ऑप एम के इनपुट पर कनेक्ट की हुई है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और जो इनपुट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होगी फोर बिट जो डिजिटल इनपुट है उसके सो so, आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो उस फोर बेट वैल्यू के प्रोपोर्शनल में होगी अगर जो फोर बेट इनपुट है उनकी सारी जो बेट्स हैं वो वन पे सेट हैं अगेन जो टोटल रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा उसमें और जो वोल्टेज है वो ऑफ कोर्स चेंज होगी ये वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल होगी इनपुट वैल्यूज़ के आउटपुट पर हमारे पास वही वो वोल्टेज आएगी आइए देखते हैं इसका सर्किट के डायाग्राम और डिस्कस करते हैं इसको डायग्राम में एक आर टू आर लेडर डी टू A कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं सो बिट जीरो के साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू टू आर है इसी तरह बिट वन के साथ जो इनपुट रेजिस्टर कनेक्टेड है उसकी वैल्यू टू आर है इसी तरह बिट टू एंड बिट थ्री के साथ जो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उन दोनों की वैल्यू टू है सो जितने भी इनपुट बिट्स हैं उनके साथ जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे उनकी वैल्यू एक जैसी होगी डबल होगी टू नीचे जो रजिस्टर्स हैं चार रजिस्टर्स दिखाए गए हैं R2, R4, R6 एंड R8। उन सारों की वैल्यूज़ R हैं एक्सेप्ट फॉर R2 जो कि अगेन 2R है सो so, जो 2R है R2 रेजिस्टर, रजिस्टर उसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ अब हम कोई भी फोर बिट नंबर जो हम अप्लाई कर रहे हैं बाइनरी नंबर इन रजिस्टर के इनपुट पर उसकी वजह से या तो एक रजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा या फाइव वोल्ट पे कनेक्ट हो जाएगा डिपेंड करता है बेट पे लेट अस सपोज के बेट जीरो जो है वो हाई है लॉजिक वन है सो दैट मींस आर वन जो रजिस्टर है उसका ये टर्मिनल फाइव वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा बेट वन अगर जीरो है सो आर थ्री जो रजिस्टर है ग्राउंड हो जाएगा ज़ीरो के साथ कनेक्ट हो जाएगा इसी तरह बेट टू अगर जीरो है तो आर फाइव जो रजिस्टर है वो भी ग्राउंड हो जाएगा इसी तरह बेट थ्री अगर जीरो है आर सेवन रजिस्टर भी ग्राउंड हो जाएगा इसकी वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जाएगी इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी और जो टोटल इनपुट वोल्टेज है वो भी डिफरेंट हो जाएगी बेसिकली इस रेजिस्टर नेटवर्क को सिंपलीफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए एवनस थ्योरम जो सर्किट थ्योरी में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो ये दूसरा जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया ये सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम है इसमें हमने एज्यूम किया है कि जो बिट जीरो है वो लॉजिक हाई है फाइव वोल्ट अपलाई किए हुए हैं बाकी जो बिट वन टू एंड थ्री जो हैं उन पे हमने जीरो अप्लाई किया लॉजिक जीरो है सो so ये जो रजिस्टर्स हैं वो ग्राउंड कर दिए गए हैं नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं जिनमें हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट मालूम किया है और इक्विवेलेंट एकविलेंट वोल्टेज मालूम की है इस लास्ट सर्किट डायग्राम में हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रजिस्टर नेटवर्क आ गया है एक टू आर रजिस्टर है आर सेवन जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है एक आर एट रजिस्टर है जिसकी वैल्यू आर है और एक इक्विवेलेंट आर रेजिस्टर रजिस्टर है जिसकी आर वैल्यू है इसकी जो इनपुट पे वोल्टेज है वो फाइव वोल्ट नहीं है जो कैलकुलेटेड थे वोल्टेज है वो पॉइंट सिक्स टू फाइव वोल्ट है सो so, इस वोल्टेज की वजह से एक करेंट फ्लो होगा जो कि आर एफ के, के थ्रू भी फ्लो होगा और आउटपुट पे हमारे पास एक वोल्टेज आ जाएगी जो कि प्रोपोर्शनल होगी इस इनपुट वोल्टेज और जो आर थेवरन रजिस्टर है अभी हमने आर टू आर लेटर ए टू डी कन्वर्टर देखा बेसिकली इसमें एक रजिस्टर्ड नेटवर्क लगाया हुआ है डिपेंडिंग ऑन बाइनरी इनपुट जो रजिस्टर नेटवर्क है वो बेसिकली चेंज हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू सिम्पलर रजिस्टर्ड नेटवर्क इसको हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थेवर थे आपके हैंडआउट्स में डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई मैंने डिफरेंट बाइनरी इनपुट्स के लिए तो लगे से वन जीरो जीरो ज़ीरो है तो फिर रजिस्टर uh, नेटवर्क क्या होगा उसके इनपुट वोल्टेज जो थेवन वोल्टेज है वो क्या होगा और आउटपुट में वोल्टेज क्या होगा जिस तरह अगर लत से कोई और वैल्यू है वन वन जीरो ज़ीरो तो उसकी वजह से जो रजिस्टर नेटवर्क है उसकी वैल्यू अगेन चेंज होगी जो थेवेन एकवन वोल्टेज है वो अगेन चेंज होगी उसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी चेंज होगी और ऑफकोर्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो रिप्रजेंट कर रही होगी औरजनल वैल्यू वन वन ज़ीरो ज़ीरो को लास्ट में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं डी टू तो ए जो कन्वर्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं so, सबसे पहले जो है रेजोलूशन रेजोलूशन क्या है कितने डिस्क्रीट लेवल्स हैं जिसको हम जो एनोलाग आउटपुट है उतने लेवल्स में हम रिप्रजेंट कर रहे हैं बेसिकली इसको मैयर किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ द इनपुट लेवल्स परसेंटेज की फॉर्म में इसको आसान लैंग्वेज में यू कहें कि अगर फोर बेट डी टू ए कन्वर्टर है सो so उसकी लेवल्स कितनी हैं बेसिकली सिक्सटीन लेवल्स हैं राइट सो वन 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 अगर हम अप्लाई करें इनपुट पे तो आपके पास फिफ्टीन जो है बाइनरी में वन 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 फिफ्टीन रिप्रजेंट कर रहा है सो so इसकी जो रेजोलूशन है वो आप इस तरह लिखेंगे वन डिवाइड बाई फिफ्टीन और क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से लिखी जाती है तो वन डिवाइड बाई फिफ्टीन इन टू वन हंड्रेड सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट आ जाएगी सो so इसकी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन रेजोल्यूशन होगी या इसको दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ बेड्स टू बी कन्वर्टेड ये होगी इसकी रेजोल्यूशन अब जितनी आप बिट्स बढ़ाएंगे दैट मीन आप रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं जो आपका सिग्नल है वो ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा एक जो एक्ूरेसी है बेसिकली एक्यूरेसी है एक टी टू ए कन्वर्टर की एक्यूरेसी हम ऐसे मेजर करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसको कंपेयर करते हैं जो माइर्ड आउटपुट है तो उसमें हम देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो माइर्ड आउटपुट है एक्यूरेसी हम रिप्रेजेंट करते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन की लेट अस सपोज इजोज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है टेन वोल्ट है और हम ये कह रहे हैं कि इसकी एक्यूरेसी जो है पॉइंट वन परसेंट है पॉइंट वन परसेंट मीन्स टेन मिली वोल्ट्स सो कोई सा भी जो आउटपुट है वो टेन मिली वोल्ट से ज़्यादा इनएकट नहीं होगा जो एक्यूरेसी है वो हम कोशिश करते हैं कि प्लस माइनस हाफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट उससे ज़्यादा ना हो इसको आप यूँ समझें कि जब हम इनपुट पे ज़ीरो जीरो जीरो वन अप्लाई करते हैं और लेट अस सपोज कि आउटपुट पे वन मिली वोल्ट आ रहा है सो so, हम कितनी इसमें इन एक्यूरेसी बर्दाश्त कर सकते हैं अगर हमारे पास 1.6 आ जाए तो वो बेसिकली 2 मिली वोट से रिप्रेजेंट होना चाहिए 1 मिली वोट से रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए तो बेसिकली 1.5 जो है वो हाफ लीगनीफिकग्निफिकेंट बेट से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो एक्यूरेसी है वो हाफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो मोनोटॉनिक होना ज़रूरी है मोनोटॉनिक का मतलब ये है कि इनपुट जो है अगर हम जीरो ज़ीरो 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 से शुरू करते हैं और उसको कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं सो अल्टीमेटली लास्ट वैल्यू जो है फोर बेड डी टू ए कन्वर्टर की वन 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 हो सक हो जाती है तो आउटपुट में जो एनालॉग वोल्टेज है वो भी कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन राइज़ होनी चाहिए अगर आउटपुट में हमें वैल्यू जो है कॉन्टीन्यूसली राइजिंग नहीं मिल रही बीच में कहीं एक डिप आ जाता है दैट मीन्स कि ये जो डी टू ए कन्वर्टर है ये मोनोटॉनिक नहीं है सो बेसिकली इसमें कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ये एरर आ रही है चौथा जो करेक्टरिस्टिक है वो है लीनियरिटी बेसिकली जो आउटपुट है वो लीनियर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट लेटस् सपोज के हमारा टू बेट इनपुट है तो 00 वैल्यू हो सकती है 01 हो सकती है 10 हो सकती है एंड 11 हो सकती है 11 वन पे लेटस्ट सपोज थ्री मिली वोल्ट आउटपुट आता है 10 पे टू मिली वोल्ट आउटपुट आता है और 01 पे वन मिली वोल्ट आउटपुट आता है सो so, आइडियली यही सूरत होनी चाहिए कि ये जब चार इन्फॉर्मेशन टू बेट्स हम अप्लाई करते हैं तो लीनियर आउटपुट होना चाहिए जीरो वोल्ट वन मिली वोल्ट टू एंड थ्री मिली लेट लेटन सपोज के आउटपुट जो है जब हम वन वन अप्लाई करते हैं तो थ्री मिली वोल्ट नहीं आता टू पॉइंट फाइव मिली वोल्ट आता है और जब हम वन जीरो अप्लाई करते हैं तो वो टू मिली वोल्ट नहीं आता वन पॉइंट एट आता है और जब हम जीरो वन अप्लाई करते हैं तो वन मिली वोल्ट के करीब आ रहा है सो दैट मीन्स आउटपुट जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है नॉन लीनियर है सो so बेसिकली ये हम नॉन लीनियरिटी रिप्रजेंट कर रहे हैं ए टू डी कन्वर्टर के आखिर में बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक है वो है सेटलिंग टाइम इट सपोज इनपुट पर हमने एक बाइनरी वैल्यू अप्लाई की है आउटपुट पर हमें एक वोल्टेज मिल रहा है अब इनपुट पर अगर हम जो वैल्यू है वो चेंज कर दें तो आउटपुट पर भी ऑफकोर्स चेंज होगा तो कितनी देर में हम वो चेंज जो है वो सेटल हो जाता है दैट मीन्स इट इज़ विदिन हाफ द लीज सिग्निफिकेंट बेट तो जो टाइम उसमें लगेगा जो नई वैल्यू है इट इज़ क्लोज टू हाफ द लीज सिग्निफिकेंट बेट उसको हम कहेंगे सेटलिंग टाइम आज हमने दो डी टू ए कन्वर्टर्स डिस्कस किए इससे पहले हमने कुछ ए टू डी कन्वर्टर्स डिस्कस किए थे आइए इन सारों को ज़रा समराइज़ कर लेते हैं ए टू डी कन्वर्टर्स तीन टाइप के हमने डिस्कस किए थे फ्लैश कन्वर्टर जो कि हम कह रहे थे एक फ़ास्ट कन्वर्जन टाइम है एक्सपेंसिव है और फास्ट अपलिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है साइमल्टेनियसली इंफॉमेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इन टू फॉर्म उसके बाद हमने ड्यूल स्लोप एनोलॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमने पढ़ा था जो कि आपके मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होता है कन्वर्जन टाइम ऑफ़ कोर्स इसका जो फ्लैश कन्वर्टर के बनस्बत कम है तीसरा जो था सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर पड़ा था अगेन इसका ऑपरेशन जो है बड़ा सिंपल है अगेन काफ़ी अप्लीकेशन में ये यूज़ हो रहा होता है जो दो डी टू ए कन्वर्टर्स हमने पढ़े थे बेसिकली हम ये कह रहे थे कि डी टू ए कन्वर्टर में जो ऑपरेशन इसका प्रिंसिपल है कि हम जो ऑप एम्प है उसको एज ए समर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं जो इनपुट पे हम बाइनरी वैल्यूज़ अप्लाई कर रहे हैं उनकी वजह से रजिस्टर्स में से कुछ करंट फ्लो होता है उन सारे करंट्स को सम अप करते हैं वो ऑप एम्प के इनपुट पे अप्लाई करते हैं आउटपुट पे हमें एक सम आउटपुट वोल्टेज मिल रही है जो कि रिप्रजेंट कर रही है इनपुट वैल्यूज़ को सो so, जो इनिशियल वाला था बाइनरी वेड इनपुट जो डी टू ए कन्वर्टर था उसके आउटपुट पे ऑफ कोर्स एक प्रोपोर्शनल वोल्टेज मिलेगी डिपेंड कर रहा है टोटल करेंट्स जो फ़्लो हो रही हैं इसमें जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि जो रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं उनको बहुत एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि जैसे हमने देखा था हर रजिस्टर जो है एक दूसरे का डबल है सो आर टू आर फोर आर एट आर सो इनकी अगर एक्यूरेसी नहीं होगी आउटपुट में वोल्टेज जो है प्रॉपर नहीं आएगा वो एक्चुअल वैल्यू को प्रॉपरली रिप्रजेंट नहीं करेगा दूसरा जो डी टू ए कन्वर्टर था उसमें हम ये आर टू आर फोर आर एट आर वैल्यूज यूज़ नहीं कर रहे हैं दो किस्म के रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं सो दो किस्म के रजिस्टर्स को इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है सो दो किस्म के रजिस्टर्स हैं एक की वैल्यू टू आर है दूसरे की आर है जो टू आर के रजिस्टर्स है वो हमने जो बाइनरी इनपुट है उनके क्रॉस लगाए हुए थे और बाकी जो जनरल नेटवर्क था उसमें आर रजिस्टर्स लगाए हुए थे इसका जो ऑपरेशन प्रिंसिपल है वो डिपेंड बेसिकली बेस्ड है ऑन द बाइनरी इनपुट बाइनरी इनपुट में हमने जो भी वैल्यू अप्लाई की है वो वन या ज़ीरो होंगी अगर जीरो होगा तो कुछ और रजिस्टर नेटवर्क बन जाएगा अगर फाइव वोल्ट या लॉजिक वन अप्लाई करते हैं तो रजिस्टर नेटवर्क जो है वो कुछ और शेप में आ जाएगा इस रजिस्टर नेटवर्क की जब हम इक्विवेलेंट वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास एक थेवन रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएगी और एक थे वोल्टेज वैल्यू आ जाएगी ये जो वोल्टेज वैल्यू है इसकी वजह से एक करंट फ्लो होगा सर्किट में से और आउटपुट में हमें एक वोल्टेज मिलेगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा जो बाइनरी इनपुट है ये तो बेसिकली होगी डिस्कशन ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर्स पे आइए अब हम पूरे कोर्स को क्विकली समराइज कर देते हैं हमने जब कोर्स शुरू किया था ये बात की थी कि डिजिटल लॉजिक में हम बाइनरी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जो प्रोसेसिंग होती है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है सो so बेसिकली हमने बात की थी डिजिटल नंबर्स की या बाइनरी नंबर्स की जो भी नंबर्स हैं या जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म हमने क्या बताई थी बेसिकली यहाँ लॉजिक जीरो होगा या वन होगा दो ही आपके पास वैल्यूज़ हो सकती हैं जीरो या वन अब कोई नंबर है उसको भी जीरोस एंड वन्स में रिप्रेजेंट करना है कोई लेटर है कैरेक्टर लिख रहे हैं उसको भी जीरोस वन में रिप्रेजेंट करना है कोई एक ग्रे लेवल है कोई साउंड लेवल है उसको भी हमने चेंज करके जीरोज़ एंड वंस में रिप्रजेंट करना है सो so, जितनी भी इंफॉर्मेशन है डिजिटल सिस्टम में वो जीरोज़ एंड वंस की श्रोत में होगी अब इसको जब आप प्रोसेस कर हैं आपके पास कुछ सर्किट होना चाहिए जो इस इंफॉर्मेशन बाइनरी इंफॉर्मेशन है इसको प्रोसेस करें जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिनकी हमने बात की थी बेसिकली उनको कहते हैं हम लॉजिक गेट्स सो एंड गेट है और गेट है और एक नॉट गेट है इन तीन गेट्स की मदद से हम डिफरेंट गेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं नॉर्थ गेट हो सकता है नैन गेट हो सकता है एक्सक्लूसिव और गेट हो सकता है एक्सक्लूसिव नॉर्थ गेट हो सकता है बेसिकली ये जो गेट्स हैं ये कैसे बने हैं वो हमने देखा था कि इनके अंदर जो है ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं तो ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच हम इस्तेमाल कर रहे हैं सो so, डिपेंड करता है कि इनपुट पे क्या वैल्यू है उस सर्किट को या उस ट्रांजिस्टर को कैसे कन्फिगर किया हुआ है आउटपुट पे वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी सो बेसिकली इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जो लॉजिक गेट्स कहलाते हैं इनको हम डिफरेंट सूरतों में आपस में कनेक्ट करते हैं एक सर्किट बना लेते हैं जो कि एक फंक्शन को परफॉर्म करता है सो so, जब हम ये गेट्स डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस के साथ आपस में मिलाते हैं तो एक हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बन जाता है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है सो so हम एक एडर सर्किट बना सकते हैं एक सप्रैक्टर सर्किट बना सकते हैं और बहुत सारे हमने सर्किट्स देखे थे वो बन सकते हैं इसमें ये जो सर्किट है हम एनालिस्ट के लिए हम ये नहीं चाहेंगे कि हर वक्त हम गेट्स जोड़ें और सर्किट बना लें बेसिकली हर सर्किट का जो फंक्शन है हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं लिख सकते हैं सो so, बेसिकली हर फंक्शन हर सर्किट की जो एक्सप्रेशन है उसको हम कहते हैं बोलियन एक्सप्रेशन अब बोलियन एक्सप्रेशन जो है एक लंबी सी एक्सप्रेशन आ रही है तो अब आपने अगर एक्सप्रेशन आपके पास है तो उसको हम सर्किट की फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं सर्किट है तो उसकी बोलियन एक्सप्रेशन होगी बोलियन एक्सप्रेशन है उससे हम सर्किट बना सकते हैं उसमें बोलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर सिंपलर एक्सप्रेशन होगी हमारा सर्किट भी सिंपलर होगा बोल एक्सप्रेशन को सिम्प्लीफाई करने के लिए या उसको कन्वर्ट uh, करने के लिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बेसिकली हम यूज़ कर रहे थे बोलिन एलजर्ब्रा सो बोलिन एलर्बा में हमारे पास रूल्स हैं कुछ थ्योरम्स हैं कुछ लॉस हैं जो अप्लाई करते हैं हम बोल एक्सप्रेशन को मेनिपुलेट कर सकते हैं दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं बुलियन एक्सप्रेशन की सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म सो बेसिकली जितने भी सर्किट हैं वो या तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से इनिशिएट हुए हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म से इनिशिएट हुए हैं उनके डिफरेंट वर्जनस होते हैं नेक्स्ट हमने ये बात की थी कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स जो हैं बहुत किस्म है, के हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स ऐसे हैं जो कि बहुत रूटीनली बहुत कॉमनली डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं तो अगर हर दफ़ा आप डिफरेंट गेट्स जोड़ के एक सर्किट बना लें और उसको यूज़ कर रहे हैं तो बजाय डिफरेंट गेट्स को जोड़ने के आपके पास भने बनाए सर्किट्स जो हैं एम फॉर्म में मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिनको आप रेडिली कनेक्ट कर सकते हैं और एक डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं सो so डिफरेंट जो सर्किट्स हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स देखे थे जो पढ़े थे जो एम एस आई फॉर्म में हैं उसमें मल्टीप्लेक्सेज थे डी मल्टीप्लेक्सेज थे इनकोडर्स थे डी कोडर्स थे प्रायोरिटी इनकोडर्स थे एड्रेस थे फुल एड्रेस थे हाफ एड्रेस थे कंपरेटर्स थे बी सी डी टू सेवन सेगमेंट कन्वर्टर्स थे तो ये सारे जो हैं एक कॉम्बिनेशन सर्किट के फॉर्म है कॉम्बिनेशन सर्किट हमने बताया था कि इसमें कोई स्टोरेज का एलिमेंट नहीं है कोई चीज़ सेव नहीं कर सकते जो भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे वो आउटपुट पर आपके पास आ जाएगी कॉम्बिनेशन सर्किट हम ये बताया था कि या तो दो तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स व लॉजिक गेट्स हैं या आपके पास ये जो एम एस आई फॉर्म्स में चिप्स अवेलेबल हैं इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक तीसरी सूरत यह है कि आप प्रोग्राम कर सकते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो आप प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग पी एल डी डिवाइज पी एल डी डिवाइस जो हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइज हैं उनका एक स्टैंडर्ड सी रे बनी हुई है कंसिस्टिंग ऑफ एंड गेट्स और गेट्स तो कोई भी फंक्शन जो है जैसे हमने शुरू में बताया कि दो फॉर्म्स में एक्सप्रेशन होती है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म तो कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट है इन दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so पी में बेसिकली एंड गेट्स और गेट्स और हैं इनको आपस में कनेक्ट करके आप कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद हमने सिक्वेंशल सर्किट्स की बात की थी सिक्वेंशल सर्किट जो है हमने कहा था एक एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डिजिटल uh, लॉजिक का सिक्वेंशल सर्किट्स में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कॉम्बिनेशनल पार्ट है साथ में एक मेमोरी एलिमेंट मेमोरी एलिमेंट हमने बताया था कि बेसिकली एक लैच है जो कि नॉर गेट्स या नैन गेट की कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है और वो केपेबल है एक बिट जो है उसको स्टोर करें या जीरो या वन इसकी एक मजीद शक्ल जो है जिसमें हमने क्लॉक लगाई है उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं सो बेसिकली सिक्वेंशल जो सर्किट है उसमें हम स्टोरेज एलिमेंट है इन सिक्वेंशल सर्किट की मदद से हम डिफरेंट डिवाइस बना सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डिवाइस थी काउंटर्स थे और शिफ्ट रजिस्टर थे सिक्वेंशल सर्किट्स को भी हम पी एल डी डिवाइस की सूरत में प्रोग्राम कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लास्ट में हमने मेमोरी पढ़ी थी मेमोरी जो है अगेन हमने बताया था कि एक बेड नहीं स्टोर करेगी मल्टीपल बेड स्टोर करेगी कोई भी डिजिटल सिस्टम है प्रोग्राम स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी ज़रूरत है उसकी हमने पूरी देखी थी कि इम्प्लीमेंट कैसे होती है उसको एक्सेस कैसे किया जाए जाता है लास्ट में हमने ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर्स पढ़े इसके साथ कोर्स ख़त्म हो गया ख्याल रखिएगा ودافع و عليكم